हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड, आशा करती हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक छोटी सी मन की बात आप लोगों से शेयर करने आई हूँ, वो भी इसी प्रकार से कि हैप्पी न्यू ईयर विश क्यों करते हैं, क्योंकि किसी ने मुझसे कंप्लेन करी है विश करने से क्या होता है। तो मुझे उनकी बात सुनकर ना बड़ा दुख लगा कि मतलब विश करने से क्या होता है। तो मैं आज इसी के ऊपर एक छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि विश करने से क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसा है, 2023 में आपने कितने दुख झेले हैं, जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, तो इस चीज़ को हैक के पीछे हटा के आप 2024 में जब आगमन करेंगे, अपना नए सिरे से अपनी लाइफ शुरू करेंगे ना, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग इससे भी अच्छा और बेटर कर सकते हैं, ये चीज़ आप दिमाग में रख के आप आगे बढ़िए। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, देखिए बहुत से लोग हैं 2023 में बहुत सारी गलतियां करते हैं, अपनी गलतियों से वो लोग पछताते भी हैं, हो सकता है पछताना भी चाहिए, ये चीज़ अच्छी बात भी है। अगर आप गलती करते हैं तो उस चीज़ को लेकर पछताइए भी, क्योंकि गलत काम करके ही लोग, बहुत से लोग हैं गिल्टी फील करते हैं। तो उस चीज़ को ज़्यादा ना सोचते हुए आप लोग 2024 में अपने आप में कुछ ऐसा अच्छा काम कीजिए कि आपकी गलतियां जो है उसकी समाप्ति हो जाए, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं कि हमसे गलतियां नहीं होगी, हमसे गलतियां भी हो सकती हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, और दूसरी बात क्या है, बच्चे जैसे साल भर पीछे होते हैं कि कई बार पढ़ाई ठीक से नहीं करते हैं, मन लगा के पढ़ाई नहीं करते हैं, वो सोचते हैं यार हमने तो इस साल पढ़ाई में बहुत ही गंदा नंबर लाए हैं। तो ये नया साल है ना आप लोगों के लिए, एक अच्छा सा मतलब भगवान ने आपको मौका दिया है, कुछ अच्छा करके दिखाइए। तो ये जो नया साल है ना फ्रेंड्स, ये जो न्यू ईयर आता है ना, हमारे जीवन के लिए नया उजाला लेकर आता है। हमें भगवान एक नया मौका देता है कि तुम कुछ करो, अब इस साल तो कुछ करो, पिछले साल तो तुमने कुछ किया नहीं, कम से कम इस साल तो तुम कुछ करो। तो इसलिए ये नया साल होता है फ्रेंड्स विश करने के लिए होता है, और एक दूसरे को विश भी करना चाहिए, हैप्पी न्यू ईयर टू यू विश करना चाहिए। जैसे क्योंकि हम कई बार रात को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्यों करते हैं हम रात को 12 बजे 1, 2, 3 हैप्पी न्यू ईयर क्यों करते हैं हम इंतज़ार इस चीज़ का, क्योंकि हम जो है अपने पुरानी चीज़ों को फेंक के एक नए जीवन को नए सिरे से हम लोग शुरू करना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये हैप्पी न्यू ईयर हम लोग विश करना बहुत ज़रूरी होता है। विश करने से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, विश करने से क्या होता है कि आपके लिए भी अच्छा होता है और दूसरे के लिए भी अच्छा होता है। आप जितनी दूसरों को विश करेंगे ना, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में विश की ये जो चिंगारियाँ ना, ये फैला दीजिए, जितनी ज़्यादा चिंगारियाँ फैला देंगे ना विश की, उतनी ज़्यादा ही आपके साथ अच्छा होने वाला है। यकीन मानिए, जितनी ज़्यादा आप लोगों को विश करेंगे ना, उतनी ज़्यादा वो विश इसी आपको मिलेगी, समझ रहे हैं ना बात को, उतनी ज़्यादा विशेष आपको भी मिलेगी। तो समझ लीजिए आपका जीवन कितना अच्छा होने वाला है। तो इस चीज़ से भागिए मत, परेशान होके, परेशानियों से क्या मतलब है, परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। जो 2023 में बीत गया सो बीत गया, उसे छोड़ के अपना नए अच्छे से शुरुआत कीजिए, आज ही से शुरुआत कीजिए। तो यही मैं फ्रेंड्स कहना चाहती हूँ कि विश करने से कुछ नहीं होता, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा विश करेंगे ना, सामने वाला उतना सा उतना लौटा के वो विशेष आपको देगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा विश करिए उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है, समझ रहे हैं ना बात को। तो यही है आज मेरी छोटी सी मन की बात फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरे चैनल को फैलाइए, और हैप्पी न्यू ईयर विश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। तो आपको मेरी तरफ से आपके पूरे फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। तो आज के लिए यही है मेरी छोटी सी मन की बात, कल मैं फिर आती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। फ्रेंड्स जब तक के लिए बाय।